लड़ाई का असली मजा तभी आता है जब मुकाबला बराबरी का हो। ऐसे ही एक टक्कर के मुकाबले का सबसे सटीक उदाहरण है अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स और हाइना के बीच की जोरदार फाइट्स। ये फाइट्स तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब इन दोनों अग्रेसिव एनिमल्स के झुंड आपस में टकराते हैं। ऐसे में जख्मी होने के साथ साथ इनमें से कई जानवर तो जान से हाथ भी धो बैठते हैं। शायद इसी वजह से इन लड़ाइयों को देखकर लायन, टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस फाइट में भी हम इन्हीं लड़ाइयों का जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लायन या टाइगर जैसे डेंजरस एनिमल्स भी कई बार नन्हे जीवों पर हमला नहीं करते और उनकी जान बख्श देते हैं। इस तरह के वाक्य ये साबित करने के लिए काफी है कि इन खूंखार जंगली जानवरों के पास भी दिल होता है। ये बेवजह किसी की जान नहीं लेते, मगर वाइल्ड डॉग्स और हाइनास जैसे जानवर बेरहमी की सारी सीमा लांघ जाते हैं। इनसे ज्यादा बेरहम जानवर जंगल में शायद ही कोई दूसरा होगा। शिकार देखते ही ये बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़ते हैं। इनकी इसी आदत की वजह से इन जानवरों का जंगल में एक अलग ही खौफ है। ऐसे में सोचिए, जिस वक्त इन वाइल्ड डॉग्स और हाइनास का झुंड एक दूसरे के आमने सामने आएगा तो मंजर क्या होगा। दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, ये जानने से पहले आइए इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड लाइफ साइकिल। हाइनास के शरीर पर जिंजर कलर के पैटर्न्स के साथ ही ब्लैक कलर के डॉट्स भी पाए जाते हैं। इन शिकारी जानवरों का वजन करीब 50 से 86 केजीज के बीच होता है और इनकी लंबाई करीब 120 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। मेटिंग के कुछ ही दिनों बाद एक माँ दो बच्चों को जन्म देती है। करीब 6 महीनों तक अपने परिवार की देखरेख में रहने के बाद ये नन्हे बच्चे मीट खाने के अलावा खुद भी शिकार करने के काबिल हो जाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों का हाथ बटाते हैं। आम तौर पर ये शिकारी जानवर करीब 12 सालों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां इनकी उम्र 25 सालों तक भी पाई गई है। लंबी और मजबूत गर्दन के सिवा हाइनास के लेग्स भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वहीं इन जानवरों की देखने, सुनने और सूंघने की एबिलिटी भी कमाल की होती है। इसी वजह से ये अपने शिकार का पता काफी दूर से ही लगा लेते हैं। यही नहीं, ये जानवर रात के अंधेरे में भी एक्टिव रहकर शिकार कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा तेज और चालाक भी होते हैं। वही अगर बात की जाए अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स की, तो जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया और बोट्सवाना के वुडलैंड के अलावा ओपन एरियाज में पाए जाने वाले ये वाइल्ड डॉग्स गजब के शिकारी माने जाते हैं। इन जानवरों के शरीर पर येलो, ब्लैक और व्हाइट कलर के कोट पाए जाते हैं। इन जानवरों की लंबाई 30 से 56 इंच तक बढ़ सकती है। वहीं इनका वजन 16 से 23 किलो के करीब होता है। इसके अलावा इनके लंबे कानों की वजह से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। मेटिंग के कुछ ही दिनों बाद एक माँ करीब 10 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। मतलब साफ है कि हाइनास की तुलना में ये शिकारी जानवर काफी अधिक मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं। कुछ ही दिनों बाद ये बच्चे शिकार से लेकर हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज में अपने परिवार का हाथ बटाने लगते हैं। आपको बता दें कि इन जानवरों की उम्र तो 12 सालों के करीब होती है, लेकिन आम तौर पर ये 5 से 6 साल तक ही जिंदा रहते हैं। फूड। हाइनास अपना पेट भरने के लिए कुछ भी खा सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे मोटे पक्षियों के अलावा छिपकलियों और कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं। इसके अलावा कुछ खास मामलों में इन्हें सांपों और रेंगने वाले दूसरे जीवों को भी मारकर खाते हुए देखा गया है। बड़े जानवर जैसे हाथी के बच्चों और मरे हुए शेर को भी खाने में इन्हें किसी तरह की हिचक नहीं होती। इसके अलावा मंकीज, कैट्स, क्रोकोडाइल्स और ऐसे ही दूसरे बड़े जीवों पर हमला तो इनके लिए रोज का खेल है। वहीं दूसरी ओर वाइल्ड डॉग्स को खाने में सभी तरह के जीव पसंद होते हैं। झुंड में शिकार करते वक्त ये जानवर किसी पर भी हमला करने से नहीं चूकते। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानवर कितने खतरनाक शिकारी होते हैं। आइए पता लगाने की कोशिश करें कि अगर इन दोनों खतरनाक जानवरों का आमना सामना हो जाए तो इस लड़ाई में कौन किसको धूल चटाएगा। जहां कैट फैमिली के मेंबर शिकार को मारने के लिए उनका दम घोटते हैं और फिर उसे अपना निवाला बनाते हैं, वही ये अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स जानवर शिकार को जिंदा ही नोच कर खाने लगते हैं। ये झुंड में शिकार के करीब पहुंचते हैं और उस पर लगातार हमला करते हैं। इनकी इसी खूबी की वजह से इनका सक्सेस रेट 60% के करीब माना जाता है। हालांकि झुंड में शिकार करने की वजह से भी दूसरे जानवरों की तुलना में इनकी शिकार करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इन्हें लायंस और टाइगर से भी ज्यादा कुशल शिकारी माना जाता है।
वही अगर हायनास की बात करें तो इनका हंटिंग का सक्सेस रेट 25-30% के करीब रहता है। इन आंकड़ों के मुताबिक तो वाइल्ड डॉग्स को हायना से भी बेहतर शिकारी माना जा सकता है, मगर हकीकत इन आंकड़ों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हायनास भी किसी तरह से वाइल्ड डॉग से कम नहीं होते। हायनास को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मौका मिलते ही ये जानवर शेर पर हमला करके उन्हें भी चट कर जाते हैं। अफ्रीका से लेकर अरेबिया और इंडिया में भी इन जानवरों को आसानी से देखा जा सकता है। आमतौर पर ग्रुप में शिकार करने वाले ये जानवर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालते हैं। इकट्ठे होकर ये शिकार के करीब पहुंचते ही उस पर जोरदार हमला करके उसे बुरी तरह से धराशायी कर देते हैं। इसके अलावा ये दूसरे जानवरों के द्वारा छोड़े गए शिकार यानी सड़े हुए मांस को भी बड़े चाव से खाते हैं। अपनी इसी खूबी की वजह से ये कभी भूखे नहीं रहते। जंगली कुत्ते हो या लकड़बग्घे, दोनों के पंजे दिखने में दूर से ही भले ही आपको आम लगे, पर इन्हीं पंजों की मदद से ये बड़े से बड़े एनिमल्स को भी कई हिस्सों में चीर सकते हैं। क्लॉज एंड टीथ। हायनास और वाइल्ड डॉग्स के पंजे नुकीले होने के अलावा काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर भी होते हैं। अगर इनके नुकीले दांतों की बात करें तो एक हायना के मुंह में 32 से 34 दांतों के करीब होते हैं। अपने इन्हीं नुकीले दांतों की मदद से ये जानवर हाथी और लायन जैसे बलशाली एनिमल्स की हड्डियां तोड़कर उन्हें आसानी से हजम कर सकते हैं। इसके अलावा एक वाइल्ड डॉग के मुंह में करीब 42 दांत होते हैं। ये इन दांतों का ही कारनामा है कि ये जानवर शिकार को पूरी तरह से छलनी कर देते हैं। कोई जानवर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा उसके दांतों के साथ साथ बाइट फोर्स से भी लगाया जाता है। एक हायना की बाइट फोर्स जहां 1100 PSI होती है यानी एक शेर से भी ज्यादा, वही एक वाइल्ड डॉग की बाइट फोर्स केवल 317 PSI के करीब होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हायना अपने एक ही वार से किसी भी जानवर की हड्डियों का कचूमर निकाल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हायना एक वार में जितना नुकसान करता है उतना नुकसान एक वाइल्ड डॉग तो शायद 3 बार में भी ना कर पाए। हायना के इस ताकतवर हमले की वजह असल में उसके दांत नहीं बल्कि उसके मजबूत जबड़े हैं। इसी कारण ये जानवर और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। अभी तक हमने दोनों जानवरों का आकलन उनके क्लॉज और टीथ के आधार पर किया। चलिए अब जानते हैं कि वाइल्ड डॉग्स और हायनास में से किस जानवर की रफ्तार ज्यादा तेज है। स्पीड। जानवर हो या इंसान, आखिर में हर कोई पेट भरने के लिए ही मेहनत करता है। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक हायना कुछ भी कर सकता है। ऐसे में शिकार का पीछा करते वक्त ये जानवर करीब 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ लगा सकते हैं। वही वाइल्ड डॉग अपने शिकार का पीछा करते वक्त करीब 71 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकते हैं। आप यहां से साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि रफ्तार के मामले में वाइल्ड डॉग्स हायना से आगे है। इंसान हो या जानवर, हर कोई पेट के लिए ही तो जीता है। ऐसे में इन जानवरों की लड़ाई भी अक्सर तभी होती है जब इनका फूड कॉमन होता है। यही नहीं, कई लड़ाइयां तो एक दूसरे के इलाकों में घुसने की वजह से भी देखी गई है। मेन रीजंस बिहाइंड फाइट। आमतौर पर करीब 10 से 40 के झुंड में रहने वाले वाइल्ड डॉग्स काफी ज्यादा टेरिटोरियल नेचर के होते हैं। कैट्स फैमिली के मेंबर्स या दूसरा कोई भी जानवर अगर इनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो ये उन्हें मजा चखाने में जरा भी देर नहीं लगाते। ऐसे में हायनास की क्या मजाल है कि इनके इलाके में घुसने की हिम्मत करे। लेकिन हायनास भी कुछ कम नहीं है, इनके परिवार में भी 80 सदस्य तक हो सकते हैं। साथ ही ये भी अपनी टेरिटरी को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। वाइल्ड डॉग्स तो क्या, लायन और दूसरे बड़े जानवर भी इनके इलाके में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब लायन ने इनके इलाके में कदम रखने की गलती की और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक दूसरे के इलाके में घुसने की गलती करने के अलावा ये जानवर कई बार कॉमन फूड की वजह से भी आपस में खून के प्यासे बन जाते हैं। ऐसे में इनकी लड़ाई भी आर पार की होती है। अभी सारी सच्चाई और फैक्ट्स आपके सामने है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर इन दो खतरनाक जंगली जानवरों का आमना सामना होगा तो नतीजा क्या होगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।